सत्यप्रकाश जी, आप बहुजन समाज की आवाज़ों को बहुत अच्छे से उठाते हैं। मैं आपसे एक आखिरी सवाल जरूर पूछूंगा कि अगर 2019 के अंदर बहन कुमारी मायावती जी पीएम के रूप में आती हैं तो ऐसा कौन सा काम करेंगी जो आज तक के नेताओं ने नहीं करा है, उसके ऊपर जरूर रोशनी डालें। देखिए, बहन जी ने अभी एक स्टेटमेंट दिया था सर्व समाज को लेकर के कि हम बहुत दिनों से सर्व समाज बनाने के लिए जुटे हुए हैं और कुछ संगठन ऐसे हैं जो इस सर्व समाज के बीच में खाई पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। तो बहन जी, मैं नहीं मानता कि विशेषकर किसी एक वर्ग को लेकर चलेंगी, संपूर्ण भारत को लेकर चलेंगे, क्योंकि बीएसपी का जो चुनाव घोषणा पत्र है वो भारत का संविधान है, कोई पॉलिटिकल पार्टियों का कोई चुनावी एजेंडा नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करना बीएसपी की और बहन जी की प्राथमिकता होगी, प्रमुखता होगी। उनकी प्राथमिकता तो रहेगी, लेकिन ऐसे बहुत सारे काम हैं जो लगता है आपको कि ये काम नहीं हुए जो होने चाहिए थे, उन पर थोड़ी रोशनी डालें कि अगर बहन कुमारी मायावती आती है तो इन कामों को बहुत अच्छे से कर देंगे। देखिए, पहला सवाल तो रिजर्वेशन का है। हम चाहते हैं कि रिजर्वेशन का जो प्रारूप जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने रिप्रेजेंटेशन के रूप में दिया था, वो रिप्रेजेंटेशन हमें मिले, और वो बैकलॉग वगैरह ये जितना भी रोस्टर सिस्टम, पॉइंट वाइज सिस्टम, ये हमें कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ हमें रिप्रेजेंटेशन चाहिए, जिस प्रकार यूएसए और कनाडा में मल्टी डाइवर्सिटी कॉन्सेप्ट है, इसी प्रकार का जो कॉन्सेप्ट है हम भारत में लागू करना चाहते हैं। तो पहली ये प्राथमिकता हमें चाहिए, तो ये है हमारा सवाल। आपके सत्यप्रकाश जी, जिन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि अगर बहन कुमारी मायावती की सरकार आती है तो बहुत सारे परिवर्तन आएंगे, ऐसे में इससे बात करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, थैंक यू।